दोस्तों, आईपीएल 2024 के 17वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 200 रन का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पंजाब किंग्स के 8.4 ओवर में 70 रन पर 4 विकेट गवा दिए थे। यहां से पंजाब किंग्स का जितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आए शशांक सिंह ने 29 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से पंजाब किंग्स को मैच जितवा दिया है। ये वही शशांक सिंह है जिन्हें आईपीएल मिनी ऑक्शन 2024 में पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने गलती से खरीद लिया था, और जब टीम को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलत प्लेयर को खरीदा है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल यह गलती तब हुई थी जब ऑक्शन टेबल पर फ्रेंचाइजी मालकिन प्रीति जिंटा भी मौजूद थी। उनके साथ निसवाडिया और अन्य लोग भी साथ थे, लेकिन कोई भी उस भूल को सुधार नहीं पाया। क्या था पूरा मामला? दरअसल शशांक का नाम जब ऑक्शन रूम में घोषित हुआ और टीवी स्क्रीन पर उनका डिस्प्ले हुआ, तो पंजाब किंग्स को लगा कि ये कोई और खिलाड़ी है। पंजाब ने शशांक को गलती से 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। शशांक की बोली खत्म होने के बाद पंजाब को एहसास हुआ कि उन्होंने इस खिलाड़ी को गलती से खरीद लिया है। बाद में प्रीति जिंटा और निसवाडिया समेत अन्य लोगों ने ऑक्शन करा रही मल्लिका सागर को इस बारे में बताया और खिलाड़ी को वापस करने की मांग की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मल्लिका सागर की ओर से साफ कर दिया गया कि खिलाड़ी के एक बार बिकने के बाद उसका नाम वापस नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हुआ। अगर शशांक ने उसे समय ये ड्रामा देखा होगा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। शशांक के बाद अगला नाम तनय त्यागराजन का था। त्यागराजन का नाम जैसे ही आया तो पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत खिलाड़ी को चुन लिया है। शशांक सिंह गलती से ही सही, लेकिन 20 लाख रुपए में वह पंजाब किंग्स के साथ जुड़ गए। जब शशांक का नाम स्क्रीन पर आया तो पंजाब ने ही इकलौती बोली लगाई थी। मल्लिका सागर ने हैमर डाउन करके जैसे ही शशांक के पंजाब किंग्स की ओर से खरीदे जाने का ऐलान कर दिया। गलती का एहसास होने के बाद पंजाब ने इस बोली को वापस लेने की मांग की, लेकिन ऑक्शनर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब शशांक सिंह ने पंजाब किंग्स को मैच जिताकर अपने आप को साबित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।